मेरा दिल जिस दिल पे फिदा है, एक दिल रुबा है। Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. यहाँ पे हमने गाड़ी रोकी है थोड़ा रिलैक्स करने के लिए, बिकॉज वन वे ड्राइव हो चुकी थी 135 किलोमीटर की, जो कि बहुत ज़्यादा है। तो हमने सोचा कि थोड़ा सा पॉज ले लेते हैं यहाँ पे, और जैसे कि आप मेरे बैकग्राउंड देख रहे हैं, वादी यहाँ पे बहुत अच्छी है, और आई वुड से कि मार्च में भी यहाँ पे मौसम बहुत अच्छा है। थोड़ी ठंड फील कर सकता हूँ मैं, बाकी आप लोग ऊपर चल के और नज़ारा दिखाता हूँ। होप दैट्स गोना बी गुड फॉर यू, लेट्स सी। Your mind's got the key ingredient, it's belief. They're deceived with the negativity, but I just slide right by that energy. हम यहाँ पे चूड़धार पहुँच चुके हैं, हमने ट्रैक शुरू नहीं किया, गाड़ी हमने पीछे लगाई है। नाउ वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट अ होटल जहाँ पे हम आज रुक के और कल शुरू कर सके अपना ट्रैक। तो देखते हैं कि ट्रैक कैसा है। हमने सुबह अपनी ट्रैकिंग शुरू की थी, सुबह में ड्राइविंग शुरू की थी चंडीगढ़ से, 8 बजे हम निकले थे, और अभी का टाइम हो रहा है अराउंड 1:30 एंड वी आर हियर। तो बीच में रास्ते बहुत ख़राब थे, बट फाइनली अगर आप ठीक ठाक भी चलेंगे तो 1 बजे 1:30 या 2 बजे तक आराम से पहुँच सकते हैं यहाँ पे। लेट्स सी गलियाँ कैसी है यहाँ की, देखते हैं। पास के ही होटल में आए हैं रूम चेक करने के लिए, एंड वी हैव बीन टोल्ड कि यहाँ पे 500 से लेके 5000 तक के रूम मिल जाएंगे। जगह कुछ ऐसी है, नीचे खाने पीने का भी है, पहले ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि रूम कैसे हैं। Imagine yourself lying over here and you can have a perfect view like this. Where else are you gonna find it? Tell me. Wow. सुबह की चाय अगर आपको इस जगह मिल जाए क्या कहने। थैंक यू सो मच भैया रूम दिखाने के लिए। शाम को कितना बंदा गया ऊपर? 50 होता गया, कम से कम 100 और हमें ऐसा लग रहा था कि इतने लोग जाने वाले होंगे नहीं, मार्च का टाइम है और अभी ट्रैक मतलब शुरू करने का सही टाइम नहीं है। बट अंकल जैसे कि मैं भी बताया कि 100-150 बंदे ऑलरेडी जा चुके हैं, तो आई थिंक इट्स दिस इज अ गुड टाइम टू कम। तो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि हमें टेंट लेके जाना चाहिए या स्टे करना चाहिए, देखते हैं क्या बनता है। 7-8 बजे तक पूल भर जाएगा, बहुत बंदे होते जाने वाले। तू छुट्टी है ना 2 दिन की? हां इस टाइम बात ही है। तो भाई क्या फाइनलाइज हुआ, टेंट लेके चल रहे हैं? टेंट लेके जाएंगे भाई, तो इनको बताना जरूरी है। हां यार तो व्लॉग से अभी तो नहीं ये डाल लेगा ना मेरे। नहीं नहीं अभी तो अभी अरे ठीक है, मतलब बिजनेस कर लेना चाहिए यार, चल रहा है यार, फोटो अच्छी आ रही है, वो क्लैरिटी भी है ठीक है। अभी हमें यहाँ पता लगा है रिसेंटली कि इधर पे 2 और जगह है घूमने के लिए। एक मंदिर है जहाँ पे मतलब हमें बताया कि जो लोग ऊपर नहीं जा सकते वो मंदिर जा सकते हैं, एंड इट्स काइंड ऑफ वन ऑफ द सेम थिंग। एक झरना भी साथ में है, तो अभी डिसाइड कर रहे हैं कि झरने में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, बिकॉज वो 4 किलोमीटर है यहाँ से और थक चुके हैं, ऑलमोस्ट 2 बज गए हैं। तो आई डोंट नो, बाकी कुछ खाते पीते फिर देखते हैं कि क्या बनता है, झरने का सीन बनता है या फिर मंदिर का सीन बनता है। गाड़ी की पार्किंग की बड़ी दिक्कत आती है, तो आप सड़कों पे जहाँ भी आपको स्पेस मिले वहाँ अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं। ये हमें अपनी गाड़ी यहाँ पे पार्क करी है, जाते हैं देखते हैं कि झरना कैसा है यहाँ का। जैसे कि मेरे अंकल ने बताया होटल वालों ने कि वैसे तो झरना बड़ा फेमस है, जो लोग यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे स्टे करते हैं वो झरने में ज़रूर जाते हैं। तो जाके देखते हैं कैसा झरना है, और बाकी की जो शूटिंग्स है मैं झरने पे ही करूँगा, तो देखते हैं।
एक किलोमीटर की दूरी पे। ये जो सुकून आपको जो पहाड़ों में मिलता है, शहर की भागा दौड़ी से दूर, पोल्यूशन से दूर, ट्रैफिक से दूर, ये प्राइसलेस है। कोई प्राइस नहीं है इसका। तो टाइम निकालो और गाड़ी उठाओ और गेयर लगाओ इस पर। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें चैनल को। यह हाँ मंदिर जिसकी हम बात कर रहे थे, जो 700 साल पुराना है, थोड़ा सा यहाँ पे आपको मैं सीरीज भी दिखाता हूँ। ये है 700 साल पुराना पेड़। यहाँ पे स्टे करना है तो जहाँ से मेन ट्रैक शुरू होता है वहाँ पे एक उसके बिल्कुल सामने एक होटल है, होटल धनलक्ष्मी। दैट इज एन अमेजिंग होटल एंड आई मस्ट से द फूड वी हैड इट वाज अमेजिंग। स्पेशली अंकल जी के पराठे तो लाइक अमेजिंग थे। अंकल जी आपके होटल का नाम क्या है वैसे? धनलक्ष्मी होटल। Whenever you gonna come here or you know try some track for Churdar, you can stay overnight for in this hotel and मैं कह रहा हूँ पराठे आप खा के देखो, amazing थे, amazing। ये पास में एक शॉप है, यहाँ पे टेंट के लिए हम लोग आए थे। हम लोग यहाँ पे टेंट पता किया है एंड वी हैव बीन टोल्ड कि अभी हम लोग सिर्फ 130 कवर कर पाएंगे बिकॉज बर्फ बहुत ज़्यादा गिरी हुई है। तो we'll see। अभी हम लोग चार लोगों का टेंट पता कर रहे हैं। भैया एवरेज कॉस्ट मतलब कितने का पड़ जाएगा चार लोगों के लिए टेंट? 500 रुपए का है ना। और यहाँ से खाना खुना लेके जाना पड़ेगा क्योंकि ऊपर कुछ भी नहीं है फिलहाल। अभी फिलहाल बंद है और आपको खाना खुना नहीं चाहिए। कब तक पड़ेगा? अच्छा कब तक खुलता है वैसे? 15 अप्रैल तक। उसके बाद फिर उसके बाद वहाँ पे सारा का सारा सामान मिल जाता है खाने पीने का है। चलो थैंक यू भैया। बाकी विल सी, देखते हैं अगर क्या कर भैया। होटल तो कुछ भी नहीं है ना वहाँ पे। खाना खूना भी कैरी करना पड़ेगा यहाँ से। इमेजिन योर सेल्फ इफ यू आर हैविंग अ बैग एंड यू विल हैव टू कैरी 5 or 6 मोर किलोस विद यू। सो दिस इज गोना बी टफ फॉर यू बट लेट्स सी, देखते हैं। ये रास्ता है जहाँ से मैं भी जाने वाले हैं, सीढ़ियाँ जो आपको दिख रही है एंड विल हैव टू गो ऑल द वे अप देयर। देखते हैं। ये भाई साहब इन्हें कुछ कहना है? हाँ, खाने के नाम पे हमें सिर्फ मैगी बनानी आती है और तो कुछ बना भी नहीं पाएंगे। और बनाने के लिए सामान भी नहीं है, मैगी भी नहीं बना सकते। शुरू से करना पड़ेगा। इज इट पॉसिबल इफ यू कैन मेक कोल्ड मैगी बर्फ में? बन जाएगी, पता नहीं कैसी बनेगी। 5 मिनट रखना पड़ेगा बस, खा भी नहीं पाएंगे। फाइनली हमें सारे के सारे बैग बुक ले लिए हैं और अब हम चढ़ने जा रहे हैं ट्रैक पे। ये मेन रास्ता है जो यहाँ शुरू होता है। इट्स गोना बी टफ, आई एम टेलिंग यू, बिकॉज आपके बैग जो है काफ़ी भारी हो चुके हैं एंड रास्ता इतना बिजी नहीं इतना लगता सबको। बाकी मैं आपको ट्रैक्स दिखाता हूँ कैसे। वाओ, अगर आपको मेरे सांस लेने की आवाज आए तो प्लीज फॉरगिव मी, फिर बड़ा मुश्किल है 10-10 किलो के बैग के साथ ट्रैकिंग करना। इट्स बीन अ किलोमीटर्स ओनली, वी हैव स्पेंट 30 मिनट्स, इवन मोर देन दैट। भाई ऐसे हिसाब से अगर चलते रहें कुछ ज़्यादा ही ऊपर पहुँच जाएंगे बहुत जल्दी। देयर वॉज अ पर्सन स्टैंडिंग ओवर हियर नेक्स्ट टू मी, ही सेड ही इज गेटिंग हिज बीपी अलार्म इन हिज स्मार्ट वॉच एंड द बीपी वॉज 198, प्रीटी मच हाई एंड डेंजरस।
डोंट यू थिंक? लो जी, ये सीढ़ियाँ ही हैं। आई डोंट नो आपको यहाँ से दिख भी रहा है कि नहीं दिख रहा है, बट हम लोग काफ़ी ऊपर आ चुके हैं और अभी सिर्फ 1 किलोमीटर से ऊपर जाते हैं। इससे मुझे स्टूल में क्यों बचा कैसे बर्फ बर्फ है? तो ये जो ये डेंजरस चीज़ें हैं सीढ़ियाँ, इसको पार करते हैं, चलते हैं बर्फ से मिलने। यार दूर से देख के लगता है कि जो सीढ़ी वाली चढ़ाई है ये अच्छी होगी, बट जितना आप कंक्रीट पर चढ़ते हो आपके पैर उतने नहीं सकते हैं, तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं ले चलूंगा फिर तेरे लिए। भाई ये जो फूल दिख रहे हैं आपको, इनकी बात कर रहे हैं हम। पर भाई वहाँ वेदर देखो यार, जैसे कल रात को नहीं खाई थी ना, जैसे स्वाद जैसे उसका टेक्सचर अलग सा दिखा ना भाई जी, क्या बोलते हैं इसको? और ये मेरे ख्याल से काफी सारे हिमाचली गानों में भी यूज हुआ है, उत्तराखंडी गानों में। इसी की बनती चटनी और सब्जी है ना, कैन आई टेस्ट इट? देखते हैं कैसा इसका टेस्ट। ओ भाई खट्टा मीठा है। भाई फाइनली हर हर महादेव, पहले हमने वो डेस्टिनेशन चूज़ की है अपना कैंप लगाने के लिए। कुछ लोग अभी भी आ ही रहे वहाँ से, वहाँ पूरी आइस गिरी है, इस पहाड़ के उस तरफ पूरी आइस कवर्ड है। हमें कुछ उस तरफ को जाना था जो हम जा नहीं पाएंगे बिकॉज कोई भी नहीं जा पाया, आइस बहुत गंदी है, बहुत पुरानी है, तो वाइट आइस होके भी ब्लैक आइस बन गई है। इस चढ़ने में यहाँ पे बैंड बज गई है, let's quickly set up the camp and then see। जो सरफेस है थोड़ा सा गीला है और यहाँ पे जब अगर हम टेंट लगाएंगे तो शायद ज़्यादा ठंड लगे, तो हम थोड़ी सी घास यहाँ पे रख रहे हैं। आई होप कि ये थोड़ी सी गर्मी देगी।